क्योंकि उनकी जो लाखन जी की पत्नी थी उन्होंने कहा कि देवी बनी फिर रही हो, तुम्हारा बेटा तो ये लाडला मरा पड़ा है, जिंदा क्यों नहीं कर लेती अगर ऐसी बात है और आप देवी हो तो। उन्होंने कहा बहू, उस जमाने में मामला बड़ा गड़बड़ था, बहू क्यों रोला करे है दुख में। लेकिन उन्होंने कहा जिंदा कर लो फिर देवी हो तो। करनी जी यमलोक गई और यमराज से कहा मैं ले जाऊंगी मेरे पुत्र को। यमराज ने कहा मर्यादा टूट जाएगी, सब देवता आकर कहेंगे कि मैं भी हमारे पुत्र को ले जाएं। उन्होंने कहा मैं ले जा रही हूं। यमराज ने कहा ले जाओगी तो फिर इसकी जो जीव है वो भटकता रहेगा मृत्यु लोक में। यमराज से कोई यमलोक से कोई लेने नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं मेरे मंदिर में चूहा बनाकर मेरे कुटुंब को रख लूंगी और मेरे कुटुंब में जब जन्म लेगा तो चूहा मरेगा तो कुटुंब में जन्म लेगा, कुटुंब में मरेगा तो चूहा जन्म लेगा, तेरे यमलोक में नहीं आएगी। ये कलयुग का फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये क्या कुदरत है, ये झूठ है या सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि करणी जी के जो चूहे हैं उनकी आंखें काली है और हम आदमियों की आंखें भी काली है, इसलिए काली आंख होने के कारण उनके कुटुंब में जन्म लेता है, आदमी से चूहा बनता है, चूहे से आदमी बनता है, काली आंख है। और दूसरे चूहों की आंखें लाल और भूरी है, वो जानवर है, यही कलयुग का फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। करनी जी के यहाँ बावड़ी है पानी, मैंने देखा 40 साल में खाली हुई है, कभी कीड़ा नहीं पड़ता, गंगा जल है। इसीलिए उस झारी से ही करनी जी का भोग बनता। अभी पिछली साल जब गुप्त नवरात्र थे, सप्तमी का दिन था, सावन भादव का प्रसाद बना, 15,000 किलो का प्रसाद वो कढ़ाव में बनता है। कढ़ाव को सावन और भादवा कहते हैं। सावन भादवा क्यों कहते हैं? महाराज गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा थे और अंग्रेज वायसराय घूमने आया, तब उन्होंने पूछा नाम क्या है, कहा गया गंगा सिंह कि गंगा तो ठीक है लेकिन ये सिंह क्या है, तो कहा गया लोयन कि लोयन शेर को लोयन कहते हैं इंग्लिश में, उन्होंने कहा ये लोयन है, बोले हाँ, तो बोले ये शेर से कुश्ती लड़ सकता है, तो किसी ने कहा लड़ सकता है। दिन तय हो गया, इंग्लैंड में स्टेडियम बनाया गया, शेर पिंजरे में लाकर छोड़ दिया गया। उससे पहले गंगा सिंह जी आए देश में, आकर ढोक दी, माँ मुझे शेर से कुश्ती लड़नी है, मैं मानव सफेद काबी त्रिशूल पर छड़ी। उन्होंने कहा ये छड़ने से काम नहीं होगा, शेर से कुश्ती लड़नी होगी, ऊपर संभली बोली ची ची ची। अभी शिव जी आए थे ढोक लगाई, यहाँ जैसे ही मंदिर में आए लक्ष्मी बाई सा के आकर के ढोक लगाई, ऊपर संभली आई और जोर से बोली। ये माता जी का करनी जी का प्रत्यक्ष प्रमाण। करनी जी के परिवार वो कुश्ती लड़ने चले गए, शेर को भूखा रखा गया। जैसे ही गंगा सिंह जी नीचे उतरे, उनके हाथ में खांडा था लेकिन वो खांडा चलाना भूल गए, क्योंकि शेर एकदम आया टूट कर और वो अपना खांडा चलाना ही भूल गए और देखते देखते गर्दन दूर चली गई। कहते हैं करनी जी पीछे खड़े थे, उन्होंने कारे दे साले के और दे साले के हाथ किया तो जो दूरबीन से देख रहे थे उसमें हाथ आ गया कि एक औरत लाल कपड़े में खड़ी थी, इन्होंने तो तलवार चलाई। उन्होंने कहा ये मेरा इष्ट था। वो देशलोक आए, उन्होंने आकर एक कढ़ा बनवाया, 100 मन का प्रसाद चढ़ाने की इच्छा जाएगी। सावन में वो कढ़ाव बना लेकिन उसमें तो 100 मन आया ही नहीं, 40 मन ही रह गए। फिर उन्होंने दूसरा बनाया जब तक भादवा आ गया, फिर दूसरा कढ़ाव बना,
इस तरह करके 15,000 किलो का प्रसाद बनता है। सावन भादो नाम से वो कड़ाव है जो 2 महीने में बने। पिछली गुप्त नौराते की सप्तमी का समय था, ये मैं आपको आंखें देखे चमत्कार बता रहा हूं। प्रसादी की तैयारी हुई लेकिन बावड़ी में पानी और वो प्रसाद बनता है, वो बावड़ी से के पानी से ही बनता है, उसी से भोग लगता है, उसी से आरती होती है। पानी नहीं था, आज जैसे हमारे जैसे लोग हैं कट खे दिया, अरे बोरिंग का पानी क्या अशुद्ध है? बोरिंग का पानी डाल दो और प्रसाद बना दो। वो कुएं का बोरिंग का पानी लेके आए, कड़ाव में डाल दिया, गुड़ घोल दिया, सुबह से शाम तक पानी गर्म नहीं हुआ, 200 लीटर डीजल जल गया, डीजल जल जल के ऊपर से जाके काला आकर के पड़ने लगा और सुबह से शाम तक पानी गर्म नहीं हुआ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग का। फिर उस पानी को ढोला, नेड़ी जी के सिर बावड़ी का पानी लाया गया, उसमें डाला, तब वो भोग होना। आज भी इस कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण है, उन्होंने कहा मेरी मर्यादा मत तोड़। अनेकों परवाड़े हैं, इंद्र भाई साहब के विराज रहे, खुड़द गांव है, पिछली कार्तिक की अष्टमी का दिन था, हम वहां मौजूद थे। सूरत से एक लड़की आई, पांगड़ी थी। पहले कितने परवाड़े हुए हमें पता नहीं, हम बखान नहीं कर सकते, कितनों को आंख दी, कितनों को पैर दिया, कितनों को क्या कर दिया। वो लड़की 4 दिन रही, चौथे दिन जब अष्टमी का दिन था, परिक्रमा उसने रगड़ते रगड़ते परिक्रमा दी और काठ का लकड़ी का जो इंद्र भवन है उसके आगे ढोक दी और ढोक बच्ची खड़ी हो। जैसे ही खड़ी हुई हमने ये सोचा खड़ी हो गई बैठ जाएगी तो पता नहीं वापिस, ये हमारा भय था कि वापिस न हो जाए। 4 घंटे तक उसको नचाते रहे, बैठने नहीं दी, ऐसे मां इंद्रमा। भाव का ठिकाना है, भाव का ठिकाने के सौभाग सिंह जी थे, सौभाग सिंह जी खुड़द आ रहे थे, ऊंट गाड़ा था, एक रेवड़ जा रहा था। सौभाग सिंह जी ने कहा, जो गाड़ा चला रहा था कुशला नाम का जाट था, कि कुशला एक बकरियों उठा ले दे, छड़ा जाऊंगा करनी जी के। रेवड़ जा रहा था, जैसे ही बकरिया को उठाया उन्होंने और गाड़ी में डाल लिया, बकरा चिल्लाया, रेवड़ वाला जाग गया। रेवड़ वाले ने भी जो है आवाज लगाई, चोर चोर चोर। लोग 50 इकट्ठे के होकर के आए, कोई बरसी ला रहा है, कोई भाला ला रहा है और भागे। तब उन्होंने कहा कि अब तो मर गए ये सारे के सारे, अपने पर टूट पड़ेंगे। कुशला ने भी यही कह दिया कि ठाकुर साहब थाकी देवी खा गई अब देखा। तो उन्होंने कहा रहे ये कोपा रहे या कि गर्दन तो तोड़ दे, और तो कहीं होगो नहीं होगो। जैसे ही उसकी गर्दन तोड़ के गूदड़ी ऊपर डाल दी, लोग आए, अरे साले चुरा लाए बकरा, आकर के गूदड़ी को हटाई, चून का लोथड़ा हो। ऐसा कलयुग का प्रकरण, अभी 100 साल हुए हैं इंद्र भाई साहब को, चून का बकरे का चून का लोथड़ा हो गया। देशनोक से 30 किलोमीटर पर एक मोखा गांव है, हमारे जैसे एक बारेठ जी एक बैल खोल के लिए आए किसी का, पीछे पीछे खोज खोज करते 50 आदमी आ गए, बैल बंध रहा था पेड़ के, बोलो बैल मिल गया मिल गया। उन्होंने सोचा मारेंगे अब तो छोड़ेंगे नहीं। बारेठ जी ने कहा हे तेमड़ा राय कर दे बैल की गाय, और वो गाय हो गई। उन्होंने कहा गाय हमने तो खोज बैल की देखे थे। ऐसा कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण करणी माता का है, इंद्र भाई सा का है, गिगाई जी का आपने सुना है। बाघ बनाया बाछड़ा, 7 साल की जब गिगाई जी थे तो उन्होंने सब बछड़ों को शेर बना दिया, औरंगजेब का राज था। ऐसी मां दयालु कलयुग में कोई है तो ये मां ममतामयी है, लक्ष्मी भाई सा। मैं जयपुर ऐसे कोई नहीं आता, मैं भी नहीं आता, हम सब स्वार्थी हैं, मानव शरीर है हमारा, दृढ़ विश्वास जगमग हो जाता है। मेरे एक छोटी सी जगह है, उसका नाम माँ का नाम है करनी पैलेस,
उसका उद्घाटन था सन 92 11 फरवरी को अंदाता जब 5 साल की थी लक्ष्मीबाई से गोरखदान जी से निवेदन किया आप लेके पधारना। गोरखदान जी पधारे, 5 आदमी और भी पधारे। मैंने 1500 कार्ड छपाए थे और 2000 का खाना बनाया था। 500 का ज्यादा बना लिया, 1500 कार्ड छपाए। भगवती की कृपा थी, इनकी कृपा से व्यवहार अधिक था। 10,000 आदमी आ गए। लोग जब मेला लग रहा था लोग कह रहे थे आज डॉक्टर की बेइज्जती हो जाएगी। मुझसे लोगों ने आकर के कहा और निकाल भी अब तो खाना बन नहीं सकता, इसको का बात बिगड़ेगी तो बिगड़ जाएगा। लेकिन शरण में इसके लक्ष्मीबाई सतराजा करणी जी का नाम है, फिर भी बात बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी। लेकिन अब इतना खाना आएगा कैसे? एक पंगत लगाई, 3000 आदमी एक साथ बैठे। 10 पे रसगुल्ले के लाया था बीकानेर से, 6 एक ही पंगत में खत्म हो गए। 4 पीपे बचे, लोग भागे, अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब करेगना भी क्या है, होठों पर फेफड़ी आ गई। लेकिन माई करणी जी और लक्ष्मीबाई से की ऐसी कृपा रही कि 10,000 ने खाना खाया, 3 बजे तक खाना चला, 800 आदमियों का खाना बच गया जो सुबह तक बढ़ता रहा। ये लक्ष्मी माता चमत्कार। अभी हमारे एक DYSP रघुवीर सिंह जी हैं, उनके किसी मामले में जबरदस्ती उनको फंसा दिया गया। 3.5 साल वो जेल में रहे, आशा छूट गई कुछ नहीं होगा। लक्ष्मीबाई सा स्वयं उनके घर पर पधारे और उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, और वो बिना कलंक बरी होकर आगे और DYSP से एडिशनल SP हो गए। ये अभी का प्रत्यक्ष प्रमाण। हमारे शिव जी बिराज रहे, शिव सिंह जी खिड़िया है लगा दो नहीं तो शिव सिंह जी और भी हो जाए। इनका हार्ट अटैक हो गया, अंदाता ने फोन कहा कुछ नहीं होगा और ये साक्षात विराजर है। मैं तन्नोट जा रहा था पैदल, आया तो आगे मुंडे आराम से पड़ता था। वहां के लक्ष्मण सिंह जी जिनका 2 दफे हार्ट अटैक हो गया था, उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। दूरी बहुत थी, 1100 किलोमीटर जाना था तन्नोट। मेरा बच्चा भी डॉक्टर है, उसके हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उसको पता चला लक्ष्मण सिंह जी साथ जा रहे हैं पापा के। उसने मुझे फोन करके कहा कि पापा लक्ष्मण सिंह जी जा रहे हैं। मैंने कहा धक्का कैसे तू जा रहे हैं तुम माता जी के? उन्होंने कहा आप साथ रहना, 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे। बड़ी चिंता हुई, लेकिन ये कैसे कहें कि आप माता जी के मत चलो। 5 किलोमीटर नहीं, 50-50 किलोमीटर रोज चलते थे और तन्नोट पहुंचे। दवाई उन्होंने निकाली और फेंक दी माता जी के चरणों में कि चाहे मरूं और चाहे जीऊं, आज के बाद दवाई नहीं लूंगा। जयपुर आ गए। 1 महीने बाद उनके सीने में दर्द हुआ, उनके बच्चे ने घबराकर हमारे बच्चे को फोन किया कि कहां दिखाएं, दर्द हो गया है। बच्चा फिर घबराया मेरा डॉक्टर होते हुए, उसने कहा पापा आप जिद करते हो फिर दर्द हो गया। मैंने कि चेक तो करा, और चेक कराया तो 2 वाल जो बंद थे वो खुल गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। शेषनाग भी ना कह सका, जिसके थी 1000 जीव वो इनका बखान नहीं कर सका। तो मैं एक जीव से बखान क्या करूंगा, बहुत बातें करेंगे तो फिर सारे बैठे रह जाएंगे। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी भजन सुन रहे हैं। मैं तो अलवर का हूं, दूसरे को तुम कहते हैं हमको हम कहते हैं। अलवर में ऐसा होता है, दूसरे को तो तुम कह देते हैं हमको हम कहते हैं। तो अब आपको एक छोटा सा सुना देता हूं माता जी की। कणमराज की अवड़ मात की इंद्र मा
बादल छात्र की जय हो करनी मात मेरे तेरा ही सहारा है कि अभी चार दिन बाद में पांचवें दिन 23 तारीख को हमारे जयपुर का संघ 33वीं पदयात्रा लेके रवाना होगा, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आज भाई जी महाराज को निमंत्रण भी देना था और जन्मदिन पे आना भी जरूरी था। उसी के साथ में डाक साहब की 53-52 पैदल यात्रा देश नौ की हो चुकी है। उसके साथ ही 556 कार्ड में, जिनके पास कार्ड पहुंच गया उनके पास अंदर लिखी है 555, एक अभी दिया है 1400 कल परसों, तो 556 इनकी देश नौ को इनकी परिक्रमा हो चुकी है। 125 हवन में, जिसमें पूर्ण आहुति होती है उसको हवन पूर्णावती बोलते हैं। जैसे एक में लगातार 20 दिन हवन करवा रहा हूँ वो एक हवन माना जाएगा, क्योंकि पूर्णाहुति एक होती है। लक्ष्मी भाई साहब मुझे स्टार्ट ना भी 5 दिन हवन में हम बैठे, वो 5 हवन नहीं होगा, एक हवन है वो, क्योंकि पूर्णाहुति भी होगा। तो इन्होंने 125 अब तक पूर्णाहुति हवन कर ली है। अब देखो ऐसी कृपा किसी पे नहीं हो सकती। आज तो पैदल यात्रा का ऐसा झुंड चल रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरा बच्चा ही जा रहा है, मेरी बच्ची भी जा रही है, सब जा रहे हैं। लेकिन आज इनकी उम्र है 63 साल और इन्होंने पैदल यात्रा उस समय शुरू कर दी थी 28 साल की उम्र में, जिस दिन कोई सोच नहीं सकता था कि वो कैसे जाएंगे, कहां रास्ता है, क्या खाने की व्यवस्था होगी, कैसे जाएंगे। आज तो हर जगह भंडारा चल रहे हैं। तो माता जी के दिन के ऊपर कृपा हुई है, लक्ष्मी जी भाई साहब महाराज भी वहां पधारेंगे, सुहा भाई साहब महाराज पधारेंगे, प्रकाश भाई साहब महाराज पधारेंगे, कुमकुम आई मां पधारेंगे। तो इनके ऊपर माता जी की ऐसी कृपा हुई है, जयपुर से तरनोट दंडवत जा रहे हैं, जल्दी जाने का ये कारण है पूरा रथ बन रहा है, व्यवस्था है, यहाँ के बीच काम आम संभाल के जाएंगे। आप सभी को जो यहाँ आज जन्मदिन पे पधारे हुए हैं उनको माँ लक्ष्मी भाई साहब की तरफ से निमंत्रण है सबको कि आपको 23 तारीख की शाम को जयपुर में पधारना है। अधिकतर लोग जिनके पास कार्ड पहुंचा गया है, अभी ये कार्ड आप सभी के नाम से लक्ष्मी भाई साहब महाराज को दिया जाएगा, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। ये जो प्रक्रम जो यात्रा है वो जयपुर से मात्र 700 किलोमीटर है, लेकिन डाक साहब जाएंगे वो यात्रा 1080 किलोमीटर है। वो दंडवत जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, पैदल तो जाके आगे एक बार जिसमें 1.25 महीना लगा था, ये दंडवत जाएंगे उसमें शायद 1.5 साल और 2 साल तो लगेंगे, 1.5 से कम नहीं लगेगी, 2 साल भी लग सकती हैं। नाग दंडवत जाएंगे 3 महीने तो खुड़दाने में लग जाएंगे, तो 180 किलोमीटर जो है ये जयपुर से पहले मंडपी जाएंगे, मंडपी से फिर खुड़ जाएंगे, खुड़ से जयपुर जाएंगे, जयपुर से स्वाप आएंगे, स्वाप से फिर देगरा जाएंगे, फिर तरनोट जाएंगे, टेमरा राय जाएंगे। तो आप सभी का भी आशीर्वाद इनके साथ रहे और अपन माँ भगवती से सब अरदास करें कि मातेश्वरी इनकी ढूंढना का यात्रा रही। तो ये कृपा होती है वो ही जा सकता है। हमारे पैदल यात्रा में एक ऐसे आदमी के तो ओएन पे जाके 11 दिन तक पैदल चले, ओएन पे जाके ऐसे उनके पैर में मुंड पड़ गई लेडीज के, तो वो ओएन से गाड़ी में जाना पड़ा, मात्र 1 किलोमीटर
क्या हो गया भाई ऐसे पैर में तो उसको गाड़ी में बैठना पड़ा, लेकिन वो माता जी की इच्छा थी कि आप उसके ओरिन के बाहरी परिक्रमा दो, मेरे आप नहीं दे सकते। तो आपने सभी दाग साहब को आशीर्वाद दाग दे और जहां जहां भी आए दर्शन का लाभ उठाए, 23 तारीख को सभी जयपुर में पधार। लेकिन ये सोच भी तो उसी की कृपा से होता है। ये जो सोच आया है वो क्यों आया, ये सब भी इनकी कृपा से है। आज धन दौलत सम्मान जो हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? करणी जी की वजह से मिल रहा है, लक्ष्मी वाईसा की वजह से मिल रहा है। सब अपने लिए अपना काम करते हैं, और मैंने भी मेरे 63 साल की उम्र में परिवार और बच्चों के लिए करता रहा, लेकिन मेरे लिए मैंने क्या किया? अभी किसी से रोज कह दे कि तू ये वासुदेव जी खड़े हैं, इनके भवे नौकरी करती है, दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं 100 ग्राम रोज काजू किशमिश खाया करो, खा लेंगे के खाएंगे नहीं जोड़ेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया, सब में भाग गए। मैं अभी आपको बताता हूं, बीच में डिस्टर्ब, आपके मोबाइल फोन है एप्पल ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके मोबाइल है, विश्व का बड़ा आदमी, विश्व का, उसने मरने से पहले एक लेख लिखा जो मेरे पास है। उसने क्या लिखा? उसने कहा मेरे पास समय नहीं था जवानी में, मैं करता रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया विश्व का, मैं ये समझता रहा मैं बहुत बड़ा हूं, गर्व हुआ मुझको। आज मैं मृत्यु सैया पे पड़ा हूं, मशीनें मेरे लगी हुई है, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरे बंधु उन्होंने लिखा है, ये धन दौलत आप कार खरीद सकते हो, प्लाट खरीद सकते हो, महल बना सकते हो, लेकिन इस मौत को नहीं खरीद सकते। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ऐसी यादें छोड़ जाओ जो जीवन भर यादें रहे और आपको पूछे, बाकी ना कोई पुत्र पूछेगा ना कोई पूछेगा। अब सवाल इस बात का है कि मैं ये दंडवत क्यों दे रहा हूं? काम बड़ा कठिन है, उम्र भी अधिक है, 63 साल की उम्र, 1060 किलोमीटर है। आप जो पधारते हैं देशलोक के मंदिर के पास नेड़ी जी का धाम है, नेड़ी जी में करणी जी ने जो नेड़ी गाड़ कर और छाछ बिलोई और छांटे दिए तो कहते हैं वो हरा पेड़ हो गया खिजड़ी का। लेकिन हमारी कुरूतियों के कारण या हमारी अज्ञानता के कारण वो नेड़ी धाम सूख गया है, वो नेड़ी सूख गई, करणी जी की नेड़ी सूख गई। और करणी जी किसकी पूजा करते थे? तेमड़ा राय। करणी जी की इष्ट देवी थी आवड़ जी। मैं करणी जी की इष्ट देवी आवड़ जी के दंडवत देता हुआ जाके ये कहने जा रहा हूं कि माँ उस करणी जी की जो नेड़ी है उसको आप हरा कर दो तो धन्य हो जाएंगे। मैं मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको कर दो, वो धाम है। लोग कहेंगे यहाँ एक पेड़ होता था किसी जमाने में, माता जी ने ऐसे किया था, वो केवल बातें रह जाएंगी। इसको हरा करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। एक दफे की बात है कि आवड़ जी भादरीय राय निवास करते थे, तन्नोट की महारानी सारंगदेव आवड़ जी का दर्शन करने आई। अब तन्नोट से और वहां तक 150 किलोमीटर था, उस जमाने में साधन तो होते नहीं थे, मोबाइल होता नहीं था, रथ में बैठ के 20 दिन 25 दिन में आई वो, और वहां आवड़ जी नहीं मिले, आवड़ जी देखना ही चले गए। उसने सोचा अब क्या करूं, उसने एक जाल की लकड़ी तोड़ी सूखी
और गाढ़ा पानी दे दिया। हे माते श्री आवट जी, आप अगर मुझे दर्शन दोगे तो मेरे पे कृपा करो। रात को उसने पानी दिया और ये कहा सुबह अगर ये हरी हो जाए तो मैं पक्का सोचूंगा कि मुझे आप दर्शन देंगे। और वो जाल की सूखी लकड़की हरी हो गई सुबह। आवट जी महाराज की जय। तो जब जाल की लकड़ी हरी हो गई तो मुझे विश्वास है कि नेड़ी भी हरी होगी। मैं कोई दंदौलत नहीं, दंदौलत माने दिया है, इसलिए मैं नेड़ी हरी हो। आप सब बता रहे काम कठिन है, जो जयपुर रहते हैं आसपास रहते हैं 23 तारीख को वहां व्यवस्था है सोने की, आप पधारना, आशीर्वाद देना मुझे। आपके आशीर्वाद से मैं सफल हूं, ये मेरी कामना है। मैं कई दफे देखता हूं, जब मैं डॉक्टरी करता था तो कई मेरी माए बहने आती थी, उनका घाव जब मैं प्रेम से पूछता था तो वो कहती थी डॉक्टर को भलो हो जाओ, डॉक्टर को भलो हो जाओ, क्योंकि उनको दर्द थी। और इस भलाई से आज इस मुकाम पर पहुंचे और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो तन्नौर तो क्या हिंगलाज चला जाऊंगा मैं पैदल। जय हो माते श्री की। बोलिए हिंगलाज माता जी, टेमराया जी। हिंगलाज महाराज की जय। बोले कुंकुमारी केसर माता की, सुआ भाई सब महाराज की, जुड़िया धाम की। जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे भक्त को मैं बुलाना चाहूंगा, वो पधारे जिन्होंने दिल्ली में झंडा गाड़ दिया, करणी जी का मंदिर पहला बना दिया। तालियों से स्वागत तेज चंद्र साहब का। इनके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ ये।
साइड में हो जाओ, रुपया आ रहा है, रत्न साइड, लगे हैं तो ये थोड़ी
शेख